हेलो दोस्तों, लव फॉर इंग्लिश लिटरेचर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टॉमस मोर की बहुत ही फेमस बुक यूटोपिया की, जिसको पहले लैटिन लैंग्वेज में 1516 में लिखा गया था और बाद में 1551 में राल्फ रॉबिन्सन ने इसको लैटिन लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया था। दोस्तों, यूटोपिया का मतलब होता है एन आइडल लैंड, यानी एक ऐसी दुनिया जहां हर चीज एक सीक्वेंस में होती है, एक प्रॉपर ऑर्डर में होती है, जहां सब लोग खुश होते हैं और जुर्म व बुराई नाम की कोई चीज दूर दूर तक नहीं होती। टॉमस मोर को यह किताब लिखने का आइडिया अमेरिगो वेस्पुसी से आया, जो कि एक इटालियन ट्रेवलर हैं और इसी के नाम पर आज हम अमेरिका को अमेरिका के नाम से जानते हैं। यानी अमेरिका का नाम अमेरिका इसी ट्रेवलर अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर पड़ा है। दोस्तों, इस बुक को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसका पहला पार्ट डायलॉग ऑफ काउंसिल है एंड सेकंड पार्ट डिस्कोर्स ऑन यूटोपिया। पहले पार्ट में बताया गया है कि इंग्लैंड में जो बुराइयां हैं, जो वहां पर जुर्म है, वहां का कानून कैसा है, वहां के लोग कैसे हैं, वहां का रिलीजन कैसा है, यानी जो भी इंग्लैंड के अंदर बुराइयां हैं वो पहले पार्ट यानी डायलॉग ऑफ काउंसिल में बताई हैं। और सेकंड पार्ट में जो यूटोपिया है वहां की चीजों को बताया कि यूटोपिया का कानून कैसा है, वहां का रिलीजन कैसा है, वहां लोगों को सजा कैसे दी जाती है। तो इन सब चीजों का जिक्र सेकंड पार्ट में है और इंग्लैंड की चीजों का जिक्र फर्स्ट पार्ट में है। तो आइए स्टोरी को शुरू करने से पहले इसके कैरेक्टर्स को जान लेते हैं। इसके 3 कैरेक्टर्स इंपोर्टेंट है और उम्मीद करेंगे कि इन्हीं 3 कैरेक्टर से स्टोरी पूरी हो जाएगी। टॉमस मोर ने खुद अपने आप को भी इस बुक में एज अ कैरेक्टर लिया है, यानी इसका एक कैरेक्टर है टॉमस मोर। सेकंड कैरेक्टर पीटर जाइल्स हैं, जो कि टॉमस मोर के फ्रेंड हैं। और इसका थर्ड और इंपोर्टेंट कैरेक्टर राफेल हितलोडे हैं, जो कि इस बुक के हीरो भी कहे जा सकते हैं। दोस्तों, इस बुक की सेटिंग रखी गई है एंटवर्प नाम की एक जगह पर, जहां पर टॉमस मोर की दोस्ती पीटर जाइल्स से हो जाती है। एक दिन पीटर जाइल्स एक ऐसे बंदे को अपने साथ में लेकर आते हैं जिसकी एक लंबी सी दाढ़ी है और देखने में बिल्कुल लग रहा है कि काफी उसने दुनिया को ट्रेवल किया है। टॉमस मोर उसको किसी शिप का कैप्टन समझ लेते हैं, किसी शिप का कप्तान समझ लेते हैं, लेकिन पीटर जाइल्स मोर को बताते हैं कि वो किसी शिप का कैप्टन नहीं है, बल्कि वो एक बड़ा फिलोसफर ट्रेवलर है और इसका नाम राफेल हितलोडे है। जब राफेल से उसके बारे में पूछा जाता है तो वो बताता है कि उसने एशिया, साउथ अमेरिका की तरफ ट्रेवल किया है और ट्रेवल करते करते, ये यात्रा करते करते एक बार वो एक ऐसे आइलैंड पर जा पहुंचा जिसको यूटोपिया कहा जाता है। उसकी ये बातें और उसके एक्सपीरियंस को सुनकर टॉमस मोर ने उसको हेनरी 8 का एडवाइजर बनने की सलाह दी, जिस पर उसने कहा कि इंग्लैंड के लोग अच्छे नहीं हैं, वहां के लोगों को चापलूसी करने का और राजा की गलत बातों में हाँ में हाँ मिलाने का शौक है और इंग्लैंड का राजा भी चापलूसी करवाना पसंद करता है। इंग्लैंड का कानून अच्छा नहीं है। राफेल एक वक्त को याद करता है कि एक बार वो एक वक्त को याद करता है और बताता है कि एक बार उसने इंग्लैंड के नोबल पर्संस के साथ डिनर किया, यानी इंग्लैंड के मिनिस्टर्स के साथ में उसने डिनर किया और इसी दौरान उसको पता चला कि इंग्लैंड में चोरी करने की सजा मौत है। जब हितलोडे ने उनको ये पॉलिसी बदलने को कहा तो उन्होंने हितलोडे की बात को इग्नोर कर दिया। हितलोडे बताता है कि यूटोपिया की पॉलिसी इंग्लैंड की पॉलिसी से अच्छी है। यूटोपिया में किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती, जो भी होगा वो सबका होगा। उनके दरवाजों पर कभी ताले नहीं लटकते और ना ही दिन और रात में उनके दरवाजे बंद होते हैं। हर जगह खुशी ही खुशी है, चोरी या कोई दूसरा जुर्म वहां कभी नहीं होता। जब वो लोग बोर हो जाते हैं तो वो अपना टाइम म्यूजिक, डांसिंग, सिंगिंग और इसी तरह की दूसरी चीजों में स्पेंड करते हैं। पूरे यूटोपिया में एक कोई धर्म ऐसा नहीं है जिसको राष्ट्रीय धर्म कहा जाए,
यानी कोई नेशनल रिलीजन नहीं है, लेकिन हाँ ये उनको परमिशन है कि जो जिसको चाहे उसको मान सकता है। अगर जंग की बात करें तो यूटोपिया के लोग जंग को अच्छा नहीं मानते, वो पूरी कोशिश करते हैं कि जंग से बचा जाए, लेकिन फिर भी अगर उनको जंग करनी पड़ती है तो वो सिर्फ उसको सेल्फ डिफेंस के लिए करते हैं। यूटोपिया में फैमिली, बड़ी बड़ी फैमिली एक साथ में रहती है, एक आदमी से सिर्फ 6 घंटे ही काम कराया जाता है। यहाँ के लोग शादी विवाह और मैरिज को प्रमोट करते हैं और इसको एक अच्छी रस्म मानते हैं, और वो इसलिए ऐसा करते हैं ताकि यहाँ यूटोपिया में एडल्ट्री, प्रोस्टिट्यूशन और रेप जैसा कोई जुर्म ना हो, क्योंकि यूटोपिया के लोग रेप और प्रोस्टिट्यूशन को एक बड़ा जुर्म मानते हैं, और यदि कोई यूटोपिया का निवासी रेप जैसी घिनौनी घटना को अंजाम देता है तो इसकी सजा वहां मौत होती है। यहां पैसे नाम की कोई चीज नहीं है, बल्कि चीजों को आपस में बदल लिया जाता है या फिर चीजों को ऐसे ही इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि वहां प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, जो भी होगा वो सबका होगा, हर जगह खुशहाली है। तो दोस्तों, इस तरह का जिक्र करके टॉमस मोर ने एक इमेजिनेशन की है, एक कल्पना की है। ये एक आइडल लैंड है, जिस तरह प्लेटो ने एक आइडल लैंड सोचा था, एक आइडल स्टेट के बारे में सोचा था, इसी तरह टॉमस मोर ने भी एक आइडल लैंड के बारे में सोचा है। ठीक है, ये टॉमस मोर की एक इमेजिनेशन है, एक आइडिया है, एक ख्याल है और एक कल्पना है। तो दोस्तों, पोयम समझ में आ गई होगी, काफी बड़ी बुक है और काफी चीजों का इसमें जिक्र किया गया है। आज के लिए इतना ही काफी है। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।